Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Avalkheda, Agra, by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video, I will explain you the fourth chapter from the book, The Footprints Without Feet. The name of the chapter is A Question of Trust, and this chapter is written by Victor Canning. स्टूडेंट शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ राइटर विक्टर कैनिंग एक रोमांसेस और थ्रिलर्स लिखने वाले एक फेमस राइटर हैं. अनएक्सपेक्टेड मिस्ट्री भी लिखी है उन्होंने. 1965 में रेक्स कार्वर नाम के एक डिटेक्टिव के रूप में उन्होंने अपनी मोस्टली जो सीरीज ऑफ बुक्स हैं उनको लिखा था. हेलो स्टूडेंट, तो फिर आज शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर ए क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट. It is said that you must set a thief to catch a thief. ऐसा कहा जाता है कि आपको एक thief को ही सेट करना चाहिए अगर आपको एक thief पकड़ना है, यानी कि चोर पकड़ना है तो चोर को ही इस्तेमाल करना चाहिए. But it is also said, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है that there is honor among thieves, कि जो चोर होते हैं उनमें भी कोई ना कोई ईमान ऑनर यानी कि उनका कोई सम्मान होता है. विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलुस्ट्रेट, कौन सी ऐसी सेइंग है यानी कि कहावत है जिससे ये स्टोरी इलुस्ट्रेट करती है. तो देखिए ये पढ़ते हैं. एवरी वन थॉट दैट हॉरिस टेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन, हर कोई सोचता था कि हॉरिस टेनबी एक ईमानदार और अच्छा नागरिक है. ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स, वह लगभग 50 साल का था एंड अनमैरिड और अविवाहित था. एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर, और वो एक हाउस कीपर के साथ यानी एक नौकर के साथ में रहता था. हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो अक्सर उसकी स्वास्थ्य को लेकर के उसकी हेल्थ को लेकर के चिंतित रहता था. इनफैक्ट ही वॉज यूजली वेरी वेल एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर, वैसे तो वो सामान्यतः बहुत ही अच्छा और खुश रहता था सिवाय गर्मियों में उसे अक्सर हे फीवर हो जाया करता था, यानी कुछ बुखार या जुखाम हो जाया करता था. तो उसके अलावा वो हमेशा सही रहता था. ही मेड लॉक्स, वह ताले बनाया करता था. एंड वो सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस, और अपने इस बिजनेस में ताले बनाने के में वो काफ़ी सक्सेसफुल भी था. टू हैव टू हेल्पर्स, कि उसने अपने पास दो हेल्पर भी रखे हुए थे. यस, हाँ, हॉरिस टेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट. यस, हॉरिस टेनबी जो था वो एक गुड माने अच्छा और रेस्पेक्टेबल व्यक्ति था, सम्मानीय व्यक्ति, लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था. तो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था तो क्या था, देखते हैं. 15 ईयर्स एगो Horace had served his first and only sentence in a prison library. लगभग 15 वर्ष पहले Horace ने अपना पहला एक कह सकते हैं कि death sentence का मतलब होता है कोई सजा उसने काटी हो. कब काटी थी उसने? 15 ईयर्स एगो, और एक prison library में उसने ये सजा को उसने भुगता था. He loved rare expensive books. उसकी एक आदत थी कि उसको बहुत ही अद्भुत और कीमती जो बुक्स होती थी वो बहुत पसंद थी. So he robbed a safe every year. इसलिए वो हर साल एक सेफ, सेफ का मतलब होता है जो अलमीरा होती है लोहे की बनी हुई, आयरन की, उसको सेफ कहते हैं. वो हर साल, तिजोरी भी हम उसको कह सकते हैं, हर साल एक तिजोरी लूट लिया करता था. Each year he planned carefully just what he would do. हर वर्ष वह बड़ी सावधानी से प्लान करता था, योजना बनाता था कि वो क्या करेगा. स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 मंथ्स, और वो इतना पर्याप्त रूप से इतना चुराता था जिससे कि 12 मंथ्स के लिए उसका काम चल जाए. एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट, और वह सीक्रेटली माने चुपचाप उन किताबों को खरीद लेता था जिनको वो पसंद करता था, और किसके माध्यम से खरीदता था? एक एजेंट के माध्यम से, यानी एजेंट जो किसी एजेंसी के लिए काम करता हो उसको हम एजेंट कहते हैं. नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन, और अब
जुलाई के महीने में ब्राइट सनशाइन का मतलब बिल्कुल ब्राइट, जब बिल्कुल बढ़िया मौसम हो, अच्छा हो, उस समय वॉक करते हुए या चलते हुए ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स स्ट्रॉबेरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। वह इस बात के लिए श्योर था, वह श्योर महसूस कर रहा था श्योरिटी कि इस साल की जो रॉबरी होगी वो भी उतनी ही सक्सेसफुल रही होगी जितनी कि हमेशा उसकी रहा करती थी। फॉर टू वीक्स ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉट ओवर ग्रीन, यानी उसने एक शॉट ओवर ग्रीन जो कि प्लेस का नाम है, वहाँ पर एक हाउस था, वह लगभग टू वीक्स से इस हाउस की स्टडी अच्छे से कर रहा था। यानी उस हाउस को वह बड़ा ही एक अच्छी किस्म का चोर था, ये बहुत ही अब वो पहले से अपनी पूरी प्लानिंग कर लेता था तो कैसे उस घर में एंट्री करनी है, कैसे इसमें चोरी करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब कुछ वो पहले से ही पूरी प्लानिंग कर लेता था, उसके बाद वहाँ चोरी करने जाता था। तो उसने एक शॉर्ट ओवर रेंज में एक हाउस था, उसको काफ़ी समय से वो स्टडी कर रहा था। लुकिंग एट इट्स रूम, उसके जो रूम्स थे उनको वो काफ़ी समय से जो है देख रहा था। इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, उसकी जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग थी उसको भी देख रहा था। इट्स पास एंड इट्स गार्डन, उसके जो रास्ते उसके बगीचे कि कहाँ से जाने का रास्ता उसको मिलेगा अंदर, कहाँ पर तिजोरी होगी, वो सब उसको पहले से प्लान कर रखा था। दिस आफ्टरनून द टू सर्वेंट्स हु रिमेन्ड इन द ग्रेन व्हाइल द फैमिली वॉज इन लंदन, और आज सुबह, इस सुबह जो दो सर्वेंट्स थे उसमें है ना, वो रिमेन्ड इन द ग्रेंज, जो कि ग्रेंज में रहते थे, जबकि उस ग्रेंज उस घर की जो फैमिली थी वो लंदन में रहा करती थी और केवल दो नौकरी यहाँ रहा करते थे। हैड गॉन टू द मूवीज़, वो दोनों आज मूवी देखने के लिए चले गए थे। हॉरिस शो देम गो, और हॉरिस ने उनको जाते हुए देखा था। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे, और वो काफ़ी खुश था इन स्पाइट ऑफ, यानी उसको लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर था, यानी हल्का सा वही हे फीवर जो गर्मियों में उसको जो जुकाम हो जाता था हल्का उसकी नाक में, तो उसका थोड़ा सा टिकल माने थोड़ा सा टच था, थोड़ा सा उसको वो हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी खुश था। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और वह गार्डन की वॉल से जो है गार्डन की वॉल के पीछे से केम आउट माने आ गया। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और उसने अपने जो भी टूल्स थे, अपने औजार जो उसको चोरी करने में प्रयोग करने थे, उन सबको उसने एक बैग में रख लिया, पैक कर लिया था, जो उसकी बैग पर टंगा हुआ था, यानी उसकी पीठ पर टंगा हुआ था। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेन सेफ, उसने सोचा कि जो ग्रेन सेफ है उसमें लगभग 15,000 पाउंड्स के ज्वेल्स होंगे, यानी ज्वेलरी होगी 15,000 पाउंड्स की। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन, और उसने सोचा कि अगर वो एक एक करके उन सबको बेचेगा, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000, तो उसने एक्सपेक्ट किया था कि उसे कम से कम 5,000 तो पाउंड मिल ही जाएंगे, इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और जो उसको एक और वर्ष के लिए खुश रखने के लिए काफ़ी होंगे। देयर वर थ्री वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर द सेल इन द ऑटम, और आने वाले ऑटम के सीजन में एक तीन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स थी जो कि सेल के लिए आने वाली थी। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाय देम, और अब यहाँ से चोरी करने के बाद उसको उतना पैसा मिल जाएगा कि वो उन बुक्स को बड़ी आसानी से खरीद पाएगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड, और उसने बाहर से ही इस बात को देख लिया था कि जो हाउस कीपर था, घर का एक नौकर था, उसने जो चाबियां थीं उनको किचन डोर पर, यानी जो किचन का रसोई घर का जो दरवाज़ा है उस पर एक हुक पर टांग दिया था, उसमें एक कील लगी हुई थी उस पर टांग दिया था। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, टुक द की एंड ओपेंड द डोर, उसने क्या किया वहाँ से पहले सबसे पहले तो एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहने, यानी हाथों में उसने दस्ताने पहने और वहाँ से चाबी, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थीप था और वो किसी भी तरह के निशान नहीं छोड़ना चाहता था, तो इसलिए फिंगरप्रिंट्स छूट जाए इस वजह से
वो ग्लव्स पहन लिया करता था। टुक तक ही उसने चाबी वहाँ से ली एंड ओपन द डोर और दरवाज़ा खोला। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव माई फिंगर एनी फिंगर प्रिंट। वह हमेशा काफ़ी केयरफुल रहता था, सावधान रहता था कि वो एक भी फिंगर प्रिंट कहीं पर भी न छोड़ दे। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन। और एक छोटा कुत्ता था उस फैमिली का, उस परिवार का, जो कि किचन में ही लेटा हुआ था। इट स्टिर्ड। और जब उसने वहाँ से चाबी उठाई तो वो थोड़ा हिला, मेड अ नॉइज, उसने थोड़ा सा नॉइज किया यानी वो भौंका, एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे। लेकिन उसने अपनी जो टेल थी उसे एक फ्रेंडली वे में यानी मित्रतापूर्ण तरीके में हिलाया। यानी जैसे जो डॉग्स होते हैं वो जब मित्रता करते हैं तो उन अपनी टेल को हिलाते हैं, यानी वो किसी से प्रसन्न होते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं तब। ऑल राइट सैरी, हॉरिस सैड एज ही पास्ट। और हैरी सॉरी हॉरिस जैसे ही उसके पास से वहाँ से गुजरा तो वो कुत्ते से बोलता है, ऑल राइट सैरी, सैरी इज़ द नेम ऑफ द डॉग, तो डॉग का नाम है। और ऑल यू हैड टू डू टू कीप डॉग्स क्वाइट वॉज टू कॉल देम बाई देयर राइट नेम्स। और किसी डॉग्स को यानी जो कुत्ते होते हैं उनको क्वाइट करने के लिए, शांत रखने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको उस उन डॉग्स को उनके जो राइट नेम्स हैं, सही नाम है, उनसे पुकारना होता है। तो उसने ऐसे ही किया, उन्होंने कहा ऑल राइट सैरी, तो उसको लगा कि वो ये कोई जानने वाला है तो वो चुप हो गया, शांत हो गया। एंड शो देम लव, और उसके प्रति प्रेम दिखाने लगा यानी प्यार से वो चुपचाप हो गया। द सेफ वॉज इन ड्रॉइंग रूम। जो सेफ था यानी कि तिजोरी, वो कहाँ पर थी, ड्रॉइंग रूम में थी, बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग। और किसके पीछे थी, वो एक बहुत ही अजीब सी बेकार सी एक पेंटिंग वहाँ पर लटकी हुई थी, और ठीक उसी के पीछे वो तिजोरी थी। हॉरिस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट। हॉरिस को एक पल के लिए आश्चर्य हुआ वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। क्या उसे बुक्स के बजाय पिक्चर्स को कलेक्ट करना चाहिए। बट दे टुक अप टू मच रूम। लेकिन फिर उसने सोचा कि ये जो पिक्चर्स होती हैं ये तो ज़्यादा जगह घेरती हैं इन अ स्मॉल हाउस। और उसके छोटे से घर में बुक्स वर बेटर, यानी बुक्स ही यानी किताबें ही ज़्यादा अच्छी रहेंगी। देर वॉज ए ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल। उसने देखा कि जो वहाँ एक टेबल रखी हुई थी और उस पर एक बड़ा सा बाउल ऑफ फ्लावर्स, या हम कह सकते हैं कि जो वो गुलदस्ता होता है, वो रखा हुआ था। और एंड हॉरिस फेल्ट हिज नोज टिकल। और हॉरिस ने महसूस किया कि वो उसकी नाक से टकराया है, यानी नाक से थोड़ा सा टच हुआ। ही गेव अ लिटिल स्नीज। और उसने थोड़ी सी स्नीज माने थोड़ा सा वो खांसा या फिर वो छींका। एंड देन पुट डाउन हिज बैग। और फिर उसने क्या किया, अपना जो बैग था उसको नीचे रखा। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स। उसने बड़ी सावधानी से अपने जो टूल्स थे उनको अरेंज किया, व्यवस्थित किया। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न। और जब तक कि नौकर लौटते उसके पास 4 घंटे थे, यानी जो नौकर थे वो जितने भी सर्वेंट्स थे जो बाहर गए थे दोनों, वो लगभग 4 घंटे में लौटने वाले थे। 4 घंटे तक वो मूवी में ही बिजी रहने वाले थे। तो उसने सोचा उसके पास काफ़ी समय है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। और जो सेफ को खोलना उसके लिए कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। क्योंकि वो अपने पूरे जीवन भर लॉक्स और सेफ्स के साथ ही रहा था, यानी वो लॉक्स ताले बनाने का काम करता था, सेफ तिजोरियां उसके पास आया करती थी जिनके ताले बनाना उसको होता था। तो इन सब को वो काफ़ी एक्सपीरियंस था इन सब का उसको। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। और जो बर्गलर अलार्म था वो बड़े ही पुअर तरीके से बिल्ट किया गया था। बर्गलर अलार्म क्या होता है, वो कोई ऐसा अलार्म जो जैसे कोई घर में सडनली एंट्री करे तो वो अलार्म बजने लगता है, तो उसको हम कहते हैं बर्गलर। बर्गलर माने होता है एक चोर जो कि सेंध लगा करके, मतलब पहले से प्लान बना करके, योजना बना करके जब चोरी करता है तो उसको बर्गलिंग या फिर बर्गलर उस पर्सन को कहते हैं। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर। और वह हॉल में इसका जो वायर था इस अलार्म का उसको कट करने के लिए सीधे पहुँचा। ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली। और वह वापस आया और बड़ी तेजी से वो छींका। एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। क्योंकि जो फूलों की जो स्मेल थी
वो फिर से उसकी तरफ आई, यानी उसको फूलों से थोड़ा सा एलर्जी थी और फूलों खुशबू से एलर्जी थी, और जैसे ही फूलों की खुशबू आई, फ्रेग्रेंस आई, तो वो छींकने लगा, उसे खांसी होने लगी, छींक होने लगी। हाउ फूलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। और वो सोचता है कि लोग कितने फूलिश होते हैं, मूर्ख होते हैं, कब, जब उनके पास वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं, यानी कीमती चीज़ें जब होती हैं। और इस थॉट उसने सोचा, अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, क्योंकि एक मैगजीन उसने पढ़ी थी, उसमें एक आर्टिकल था, और उस आर्टिकल में ये जो हाउस था जहाँ वो चोरी करने आया था, उस घर को डिस्क्राइब किया हुआ था। उसमें गिविंग ए प्लान ऑफ ऑल द रूम्स, उसमें एक योजना दी गई थी पूरे उसके जितने भी कमरे थे उन सब की। एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम ऑल्सो, और इस कमरे की जिसमें वो सेफ रखा हुआ था तिजोरी, उसकी भी पिक्चर दी हुई थी। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और जो राइटर था जिसने वो आर्टिकल लिखा उस मैगजीन में, तो वो राइटर ने इस बात का भी मेंशन उसमें किया था कि उस रूम में एक पेंटिंग है जिसके पीछे एक तिजोरी है। तो कितने मूर्ख होते हैं लोग कि इस तरह का वर्णन किसी मैगजीन में करवा देते हैं किसी हाउस का, और जो चोर है वो इजीली अपने काम को अंजाम दे सकता है इस तरह से। बट होरिस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन होरिस ने पाया कि जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो उसके काम में हिंडरिंग माने रुकावट पैदा कर रहे थे। वो बार बार उसको स्मेल आ रही थी फूलों की खुशबू, और वो बार बार उसे छींक रहा था। वो सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसकी आवाज़ को सुन ले, तो वो परेशान था कि ये परेशानी पैदा कर रहे हैं जो फूल हैं उसके रास्ते में। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंड कर्चीफ, तो उसने क्या किया, अपने चेहरे को एक हैंड कर्चीफ से ढक लिया, यानी उसने अपना हैंड कर्चीफ निकाल के, रूमाल निकाल के अपने चेहरे पर बांध लिया, जैसे हम अक्सर बांध लेते हैं। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, वॉट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर। तभी क्या हुआ कि जो डोरवे है, गलियारा कहते हैं हम उसको, कॉरिडोर भी कह सकते हैं, वहाँ से या दरवाजे के बीच दूसरा दरवाज़ा था, वहाँ से अचानक एक आवाज़ आई, और वो आवाज़ क्या बोलती है, वॉट इज इट, ये क्या है, एक कोल्ड और हे फीवर, यानी एक कोल्ड है, सर्दी हो गई है, या फिर हे फीवर है, यानी गर्मियों में होने वाला थोड़ा सा बुखार या जुकाम, क्या है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरिस सेड, इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, यानी वो चोरी कर रहा था, वो चोरी में इन्वॉल्व था, उसको इस बात का ध्यान भी नहीं था कि वो किसी दूसरे के घर में है, और कोई अगर उससे पूछ रहा है तो वो कौन हो सकता है, उसे इस बात का ध्यान नहीं था। उसने सोचा कोई उसे पूछ रहा है, और जनरली वो आंसर देने लगा, उसने बोला हॉरिस सेड, हॉरिस ने कहा हे फीवर, यानी ये हे फीवर है, यानी गर्मियों में होने वाला जो जुकाम या बुखार होता है वो है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और उसने पाया कि वो फिर से स्नीज कर रहा था, यानी कि छींक रहा था। द वॉइस वेंट ऑन, और जो आवाज़ थी वो आगे भी कहती गई, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी तुम एक स्पेशल ट्रीटमेंट लेकर के इसको क्योर कर सकते हो, यानी जो आपका ये प्रॉब्लम है हे फीवर का, आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट लें और इसे क्योर करवा सकते हैं। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव यू द डिजीज, और तुम जानते हो कि तुम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हो इसका, कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि किस तरह के जो प्लांट हैं, पौधे हैं, वो तुम्हें ये डिजीज़ देते हैं, यानी बीमारी देते हैं। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि हर तरह के फूल की खुशबू से तुम्हें ये छींके नहीं आए, तो ये पता लगा सकते हैं कि कौन से फूल हैं ऐसे जिनकी खुशबू से आपको ये छींके आने लगती हैं। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे लगता है, या मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, जो भी आवाज़ थी अभी क्लियर नहीं है, आई थिंक यू हैड बेटर सी ए डॉक्टर, कि मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ कि तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम के लिए, यानी जो भी काम तुम करते हो या कर रहे हो, अगर उस काम को लेकर तुम जरा से भी सीरियस हो, अगर भी थोड़े से भी गंभीर हो, तो तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने घर के ऊपर से, टॉप से, मैंने अभी अभी तुम्हारी
ये छींकने की या खांसने की ये जो आवाज़ थी उसको मैंने सुना। तो उसने कहा कि अगर तुम डॉक्टर से इस बीमारी का इलाज करा लो तो हो सकता है कि तुम्हें अपना ये काम करते हुए इस तरह से छींकना या खांसना ना पड़े, जिससे कि आपको जो इस काम को करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दूसरा व्यक्ति इसको पहचान ना सके या सुन ना सके। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। और ये कैसी आवाज़ थी, बहुत ही शांत, दयालुता भरी हुई, काइंडली मानी विनम्रता से भरी हुई आवाज़ थी। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन फिर भी इसमें फर्मनेस थी, यानी दृढ़ता, दृढ़ता से भरी हुई आवाज़ थी। और किसकी आवाज़ थी, अ वूमेन वॉज स्टैंडिंग इन द डोर पे। उसने देखा कि एक महिला, एक वूमेन डोर पे में ही जो खड़ी हुई थी, जो कॉरिडोर था वहीं पर एक महिला खड़ी हुई थी। एंड सैरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर। और जो सैरी है, यानी जो हाउस, जो उस हाउस में रहने वाला जो डॉग है, वो भी उसके पास ही खड़ा हुआ था, उससे रब होते हुए, यानी उससे सट करके। सी वॉज यंग, और वह काफ़ी यंग थी, युवा थी, क्वाइट प्रेटी, काफ़ी सुंदर भी थी। एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और लाल रंग के कपड़े पहने हुई थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस, वह चल कर के जो फायर प्लेस होता है, यानी जहाँ पर आग जल रही होती है, आगे देखो ये चित्र दिया होगा जिसमें वो बना हुआ है, जो घर में जहाँ पर आग जलती रहती है, फायर प्लेस कहते हैं उसको। स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ पर हमेशा सर्दी होती है, और काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ अक्सर घरों में ये फायर प्लेस बनवा लेते हैं, जैसे कि घर का टेम्परेचर थोड़ा सा वार्म रहे। तो सी वॉक टू द फायर प्लेस, वह पैदल चलकर थोड़ा फायर प्लेस की ओर तरफ गई। एंड स्टैंडिंग द ऑर्नामेंट्स देयर, और उसने क्या किया, उसके पास कुछ ऑर्नामेंट्स थे, ज्वेलरी थी, आभूषण कह सकते हैं हम, उसने उनको वहीं पर स्टैंडिंग कर दिया, यानी बिखेर दिया। डाउन सैरी, सी सैड, उसने कहा नीचे की तरफ देखते हुए कि सैरी, एनी वन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ। कोई भी ये सोच सकता है कि मैं लगभग एक महीने से बाहर हूँ, यानी किसी को भी ये लग सकता है कि मैं एक महीने से शायद बाहर होंगी। सी स्माइल्ड एट हॉरिस, और वह हॉरिस की ओर देख कर के मुस्कुराई। एंड वेंट ऑन, और कहती गई, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, लेकिन फिर भी मैं समय पर वापस आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर, यद्यपि मुझको इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने ये उम्मीद तो कतई नहीं की थी कि मुझे एक बर्गलर से, यानी एक चोर से, सेंधमार से मिलना पड़ेगा। मैंने बताया था सेंधमार पहले से सेंध लगा लेता है, यानी पूरी प्लानिंग बना लेता है चोरी करने की, और उसको हम क्या कहते हैं, सेंधमार हिंदी में, बर्गलर इंग्लिश में। होरिस हैड सम होप, होरिस हैड सम होप, यानी होरिस को कुछ उम्मीद थी। Because she seemed to be amused at meeting him, क्योंकि वो जब उससे मिली तो वो काफ़ी amused, यानी कि प्रसन्न, खुश दिखाई दे रही थी। मतलब हॉरिस को किस बात की उम्मीद थी, वो सोच रहा था कि मुझको पकड़ तो लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो महिला ट्रीट कर रही है, जिस तरह से उससे बातें कर रही है, उसे नहीं लगता कि उसके लिए शायद कुछ खतरा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, वो सोच रहा था। He might avoid trouble if he treated her the right way. और उसने सोचा कि he might avoid trouble, कि वो जो आने वाला जो खतरा है उससे अपने आप को अवॉइड कर लेगा अगर वो उस महिला के साथ में सही तरीके से पेश आता है, यानी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो शायद वो महिला उसको माफ़ कर देगी और उसको जाने देगी। He replied, उसने उत्तर दिया, I didn't expect to meet one of the family. यानी मैंने फैमिली के किसी भी मेंबर से यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं की थी, यानी मुझे उम्मीद नहीं थी कि फैमिली का कोई भी मेंबर मुझे यहाँ पर मिलेगा। सी नोडेड, उसने हाँ में से हिलाया, आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें क्या इनकन्वीनियंस, कितनी असुविधा हो रही है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मिल गई। वॉट आर यू गोइंग टू डू, आखिर तुम करने क्या जा रहे हो, यानी या फिर तुम अब क्या करोगे। हॉरिस सेड, माय फर्स्ट थॉट वाज टू रन, हॉरिस ने कहा कि मेरा पहला थॉट तो, यानी मेरा पहले जो विचार मेरे माइंड में आया वो तो भागने का था। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट,
But I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. कहती है कि ऑफकोर्स वास्तव में यू कुड डू दैट, तुम ये कर सकते थे, लेकिन अगर तुम ये करते आई वुड टेलीफोन द पुलिस, तो मैं पुलिस को टेलीफोन कर देती एंड टेल देम ऑल अबाउट, और मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता देती कि किस तरह से तुमने चोरी की, तुम यहाँ पर आए हो. दे वुड गेट यू एट वंस, और वो तुरंत ही तुमको कहीं ना कहीं पकड़ ही लेते, यानी तुम उनसे बच नहीं पाते, वो पुलिस आपको पकड़ ही लेती. पुलिस सेट, पुलिस ने कहा आई वुड ऑफकोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन. तो उसने कहा कि वास्तव में मैं पहले जो टेलीफोन वायर्स हैं उनको कट करता, यानी मैंने उनको पहले कट किया हुआ है, और तब ही हेजिटेटेड, अ स्माइल ऑन हिज फेस, वह हेजिटेट हो रहा था, यानी काफ़ी हिचकिचाते हुए डरते हुए बोल रहा था, और लेकिन तब भी चेहरे पर उसके थोड़ी सी एक स्माइल थी. आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. आई वुड मेक श्योर, यानी मैं इस बात को श्योर करूँगा, यानी मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, यानी कि तुम कुछ पल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे ही काफ़ी होंगे मेरे लिए. सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी. उसने बड़ी सीरियसली तरीके से, यानी गंभीर तरीके से उसकी ओर देखा, और वो बोली कि यू हैड हर्ट मी, कि तुमने मुझे हर्ट किया है. हॉरिस पॉज्ड, हॉरिस रुका एंड देन सेड, और वो बोला आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट. वो कहता है कि मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था जब मैंने तुमसे ये बात कही. तो महिला कहती है यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे नहीं डराया. हॉरिस सजेस्टेड, हॉरिस ने उसको सुझाव दिया, इट वुड बी नाइस इफ़ यू कुड फॉरगेट यू नेवर शो मी, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा. लेट मी गो, मुझे जाने दो. मतलब वो चोर है, एक चोर की तरह से बोल रहा है कि अगर तुम भूल जाओगी तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है, अगर तुम नहीं भूलोगी तो, एक तरह की धमकी दे रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है. वो कहता है मुझे जाने दो, पर तुम भूल जाना. So thank you students for watching the video.